नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एजुकेशन पर। आज का पहला वीडियो गणित की क्लास, जो आपके छात्र और अधीक्षक में 25 नंबर के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं जितने भी टॉपिक कराऊंगा अकॉर्डिंग सीजी व्यापम पीएचडी में अक्सर बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये अभी के जितने भी क्वेश्चन हैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा आपको। कितने क्वेश्चन? मैथ्स के आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे टॉप गणित का। कौन कौन सा क्वेश्चन रहेगा देखिएगा, पूरा मिक्सिंग है। मतलब जितना भी सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा, पूरा क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टेस्ट भी दिया जाएगा आपको। अगर जो भी क्वेश्चन आपसे बनने का प्रयास करता है तो आप लोग बनाइएगा, ठीक है? तो इसको पूरा मैं आपको टॉपिक वाइज बताऊंगा। मैथ्स की क्लास प्रारंभ किया गया है आज से, ठीक? ये पहला वीडियो है, यानी कि छात्रावास अधीक्षक का पहला वीडियो जो आज से प्रारंभ किया जा रहा है शाम 7:30 बजे, ठीक है? तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना ताकि जब भी मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मेरी आवाज एक बार क्लियर आ रही कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं हौसल बढ़ाना, या फिर जितने भी जो भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसमें मैथ्स के क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो पूरा परफेक्ट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, विगत वर्षों का है, पूरा लिखित है, नोट्स है। मैंने इस क्वेश्चन को लिख कर आपको समझाने का प्रयास करूंगा और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो ये पूरा मेरा लिखित है, नोट्स आपको मिलेगा, रेलगाड़ी से, परसेंटेज से, चाल, समय, दूरी पूरा आपको बताऊंगा जी, है ना? तो चलिए जल्दी से, आप लोग पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी जल्दी। मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही नहीं, कमेंट करके बताएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए पढ़िएगा, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। मैथ्स का क्वेश्चन है, ठीक? मैथ्स का क्वेश्चन है टोटल, यानी कि हॉस्टल वार्डन का। हॉस्टल वार्डन की क्लास चल रही है शाम 7:30 बजे, याद रखना, शाम 7:30 बजे क्लास प्रारंभ किया जाएगा। आपका पार्ट 1 वीडियो है, ठीक? हॉस्टल वार्डन में 25 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, 25 अंक, बहुत बड़ी अंक है, 25 अंक। कंप्यूटर का आपका 30 अंक हॉस्टल वार्डन के सिलेबस में, है ना? सामान्य ज्ञान का आपको 15 नंबर, बाल मनोविज्ञान का 10 नंबर, ठीक? या आपका जनरल नॉलेज का 15 नंबर, बाल मनोविज्ञान का आपका 10 नंबर, छत्तीसगढ़ का आपका रहेगा 5 नंबर, हिंदी का रहेगा 5 नंबर, इंग्लिश का रहेगा 5 नंबर। ऐसे ही टोटल 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है? क्लियर समझ में आ रही है? चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अगर आप लोगों को बनता है क्वेश्चन तो बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्वेश्चन क्या है देखेंगे। क्वेश्चन कहता है कि हरीश का मासिक वेतन, यानी कि हरीश का जो मासिक वेतन है 4,500 रुपए, कितना? इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पर, ठीक? इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अगर आप इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा कि सर हमें इसका पीडीएफ चाहिए, इसका क्वेश्चन का, ठीक? क्या पूछा है? हरीश का मासिक वेतन 4,500 रुपए से 1/3 भाग, कितना भाग? 1/3 भाग शिक्षा पर खर्च हो जा रहा है, किसके पर? पढ़ाई में, शिक्षा में खर्च हो जाता है। और 2/6 भाग भोजन और अन्य जरूरत पर खर्च हो जाता है, ठीक? कहने का तात्पर्य है, हरीश का जो मासिक वेतन है 4,500 रुपये मिलता है, सॉरी 45,000 रुपये उसका मासिक वेतन है, तो उसमें पूछा गया है कि 1/3 भाग शिक्षा पर खर्च कर दिया, अब 2/6 भाग भोजन या अन्य जरूरतमंद पर खर्च कर दिया, तो वेतन का शेष भाग, जो वेतन मिल रहा है 45,000 में, उसका जो शेष भाग है कितना बचता है, वो धनराशि कितनी है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कितना है? ऑप्शन ए 22,500, ऑप्शन बी 12,000, ऑप्शन सी 15,000, या ऑप्शन डी 11,250 रुपये। तो आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, तब तक मैं इसको सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हरीश का मासिक वेतन, मान लीजिएगा आपका हरीश है, इसका मासिक वेतन कितना है? 4,000, सॉरी 45,000 रुपये। अब क्या पूछा गया है? 45,000 रुपये से 1/3 भाग शिक्षा पर खर्च कर देता है। चलिए अब इसका 1/3 भाग शिक्षा पर खर्च कर देगा तो कितना बचेगा इसका? 15 तिया 45 को काट देंगे तो कितना बच रहा है आपका? 15,000। कितना बचा? 15,000, ठीक? उसी प्रकार फिर और किसका पूछा है? और किसके लिए? इसके लिए, वेतन के लिए, हरीश के मासिक वेतन के लिए 2/6 भाग। अगर यहाँ पर शेष पूछता तो हम इसको इक्वल करके बनाते। अब पूछा गया और
और मतलब किसके लिए? तो फर्स्ट हरीश का जो मासिक वेतन है उसके लिए, तो चलिए इसका भी निकालते हैं। इसका हरीश का मासिक वेतन 45,000 रुपये है, ठीक। अब किसका पूछा है? 2/6 भाग। अब 2/6 भाग का कितना आ जाएगा? 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, ये आपको काटेंगे 15 × 3 = 45, 15,000 रुपये, ठीक है। कितना? 15,000 रुपये। आप देखेंगे ये आपको 15,000 रुपया, ये आपको 15,000 रुपया, दोनों का कितना हो गया? 15 × 15 = 30,000 रुपये, दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा जी? 30,000। आप क्या पूछा गया? वेतन का शेष भाग। अब शेष भाग कितना है? दोनों मिलाएं तो 15 × 15 = 30,000 रुपये। तो वेतन का जो है 45,000 रुपये उसको मासिक वेतन है, तो शेष भाग पूछ रहा है, जो बचत राशि है उसको पूछ रहा है। क्लियर? आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक, और वीडियो को शेयर करना ऐसी वीडियो देखने के लिए जी। वीडियो मेरा चेहरा को क्लियर नहीं आ रहा है तो थोड़ा एचडी कर लीजिएगा, मेगा पिक्सल बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, मेगा पिक्सल बढ़ा लीजिएगा, ठीक। चलिए आप देखेंगे यहाँ पर पूछा गया शेष भाग का, ठीक है, शेष भाग का पूछा गया है। तो हमारे पास कितना है टोटल? 45,000 रुपया है। कितना है? 45,000 रुपया है। अब जब दोनों को मिला दिए, इनका बजट निकाल लिए, क्या बजट निकाले? 45,000 रुपये 1/3 भाग कितना है? 15,000 रुपये। 2/6 भाग कितना है? 15,000 रुपये। तो शेष भाग कितना होगा? 15 × 15 = 30,000 रुपया। तो 45,000 में हम 30,000 रुपये को क्या करेंगे? घटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो इन दोनों में जब हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 15,000 रुपये। कितना बचेगा? 15,000 रुपये। तो कितना बचा? 15,000 रुपये। ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन सी। समझ में आया वीडियो के लिए एक बार कमेंट करके बताइएंगे, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। नहीं तो इस वीडियो को आप 2 बार देखना, 2 से 3 बार देखना, एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। समझ में आया? वीडियो को लाइक करो फटाफट, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। चलिए सेकंड क्वेश्चन कहता है, श्वेता और हरीश का 28,000 रुपए की आय को साथ में एक प्रोजेक्ट पूरा किया। चलिए मानते हैं श्वेता और हरीश की जो आय है 28,000 रुपए, अब साथ में प्रोजेक्ट किया, लेकिन इस प्रोजेक्ट में श्वेता ने 20 दिन, कितने दिन? 20 दिन, याद रखना, कितने दिन? 20 दिन, और हरीश ने 30 दिन, ठीक, कार्य किया। अब देखिए, अब जो कार्य कर रहे हैं, श्वेता कितने दिन कर रहा है? 20 दिन का कार्य। चलिए अब यहाँ पर लिख लेते हैं, टोटल श्वेता और हरीश की आय कितनी है? 28, ये श्वेता और ये आपका हरीश, ठीक। इन दोनों का आय कितना है? 28,000 रुपये। इन दोनों को कितना मिलता है? 28,000 रुपये मिलता है। श्वेता श्वेता ने 20 दिन और हरीश ने 30 दिन। चलिए श्वेता का यहाँ पर हम मान लेते हैं श्वेता, ठीक है। मैं आपको पूरा एकदम डेफिनेशन के साथ बता रहा हूँ जी, एकदम थ्योरी, ये तो चुटकियों में बन जाएगा, ट्रिक में बन जाएगा, लेकिन ये अगर आप बेसिक समझोगे, अगर आप बेसिक समझोगे तो आपको ट्रिक की आवश्यकता होगी नहीं, आप ऐसे ही दिमाग में बना लोगे। तो श्वेता का कितने दिन काम किया है? 20 दिन। चलिए 20 दिन मान लेते हैं। उसके बाद हरीश कितना दिन काम किया है? तो यहाँ पर देखेंगे हरीश आपका कितना दिन काम किया है? 30 दिन, ठीक, लिख लिए। यदि उनकी दैनिक मजदूरी, अब इनकी दैनिक दैनिक मतलब डेली जो रेगुलर मजदूर कर रहे हैं, उनका अनुपात 5:6 है, तो श्वेता का हिस्सा कितना है? किसका पूछा है? श्वेता का। तो चलिए हम देखते हैं, 5:6, तो इसको निकाल लेते हैं 5, और इसका अनुपात निकाल लेते हैं 6, तो इसका कितना आ जाएगा? 20×5 = 100, और इसका आ जाएगा आपका 6×180, ठीक। यहाँ तक क्लियर, समझ में आया क्या? अब इसको काट देते हैं, कटेगा कितना बार में जाएगा? ये 20×5 = 100 और 20 निया यानी कि 5:9, ठीक, 5:9 आ गया। अब पूछा क्या गया है? 5:9 है, किसके लिए पूछा है? श्वेता और हरीश की आय कितनी है? 28,000 रुपये। अब रुपये की आज किसका पूछ रहा है? जब इसका पूरा काम किया 20 दिन में, हरीश ने 30 दिन में, तो श्वेता का कितना हिस्सा है? श्वेता का हिस्सा पूछ रहा है जी, तो श्वेता का हिस्सा कितना होगा? तो चलिए श्वेता का हिस्सा निकालते हैं, टोटल आय कितना है इनका? 28,000, ठीक। श्वेता वाला कौन सा है? ये टॉपिक, ठीक। दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, 9×5 कितना होता है? 14। कितना होगा जी? 9×5 = 14, ठीक। 14 कहाँ जाएगा? नीचे में। किसका पूछ रहा है? श्वेता का।
श्वेता कहाँ आ जाएगी? ऊपर में। टोटल कितना है? 14। 14 दुनी कितना होता है? 28। ये आपका कितना हो जाएगा? 20,000। और 20 को इसको क्या करेंगे? 14 दुनी 28, ये कितना हो जाएगा? 2,000। 2,000 हो गया। आप 2,000 को 5 से गुणा करेंगे कितना होगा? 10,000। पूछा क्या आ गया है? श्वेता का, क्या पूछा? हिस्सा। तो श्वेता का हिस्सा पूछेगा तो 10,000। ऑप्शन कहाँ है? डी। इसका आंसर कौन सा होगा? डी। ठीक है, अगर मान लो जाए यही हरीश के लिए पूछता तो हरीश का कितना होता? 14 तो आएगा, तो हरीश के यहाँ पर मान लेते हैं 28। अगर हरीश का पूछता तो देख लीजिएगा, अगर मैं दोनों ऑप्शन बता रहा हूँ, श्वेता का पूछा है तो श्वेता का 10,000। अब इसका निकाल के देखते हैं हरीश का। ठीक, तो हरीश का कितना आ जाएगा? 28 गुना कितना पूछा? 9। इधर आपका टोटल 14, ये आपको हो जाएगा 14 दूनी 28 मतलब 2,000। 2,000 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2,000 का 9 से मल्टीप्लाएंगे, 9 दूनी 18,000। कितना आ रहा है? 18,000। अगर हरीश का पूछता तो 18, श्वेता का पूछ रहा है तो 10, दोनों मान निकल कर आएगा। समझ आया जी? पूरा क्लियर समझ में आ रहा होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। किसका पूछा गया है यहाँ पर? 10,000। श्वेता का पूछा है, श्वेता का आएगा 10। चलिए, पूछा तीसरा क्वेश्चन। एबीसी एक वृत्ताकार ट्रैक में दौड़ रहे हैं। अब माल एबीसी है, कोई नाम ले लेते हैं, चलिए, है ना। तो एबीसी एक वृत्ताकार ट्रैक में दौड़ रहे हैं और एबीसी एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय। अब एबीसी दौड़ रहे हैं ट्रैक में, अब उसी को चक्कर लगाएगा तीनों पूरा करने में, तो कितना होगा? 6 मिनट, 8 मिनट, 3 मिनट। यदि वे शाम 5 बजे एक साथ शुरू करते हैं, अब 5 बजे शुरू कर रहा है, देखिए कितना बजे शुरू कर रहा है? 5 बजे। तो फिर वो प्रारंभ में कितने समय तक, प्रारंभ बिंदु में कितने समय तक मिलेंगे? प्रारंभ बिंदु में कितने समय तक मिलेंगे? चलिए बताइए जल्दी से कमेंट करके। यदि ए बी सी, ठीक, चलिए, यदि ए बी सी एक वृत्ता का ट्रैक में दौड़ रहे हैं, मान लीजिएगा ए बी सी हम मान लेते हैं जो एक वृत्ता का ट्रैक में, क्या कर रहा है? ऑप्शन देखिए इधर छुप जा रहा है, तो क्वेश्चन को हम पहले समझेंगे। ठीक, ए बी सी एक वृत्ता का ट्रैक में दौड़ रहे हैं और एक चक्कर पूरा करने में, मान ले वृत्ताकार, मान लेते हैं यहाँ पर एक वृत्ताकार है, ए बी सी तीनों है, जो एक वृत्ताकार ट्रैक में दौड़ रहे हैं और चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो कितना समय लगेगा? मिनट दिया है यहाँ पर, 8 मिनट, 6 मिनट और 3 मिनट। यदि वे शाम 5 बजे एक साथ शुरू करते हैं, क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। यह लघुत्तम और महत्तम का सवाल है, एसडीएफ और एससीएफ और एलसीएम, है ना, एग्जाम में पूछा जाता है, तो निकाल लेते हैं। चलिए हम फटाफट निकाल, 8, ऐसे तो मैं निकाल लूंगा लेकिन आपको मैं पूरा बेसिक बता रहा हूं, ठीक है। 8 का, 6 का, 3 का हम क्या निकालेंगे जी? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे जाएगा? 2 से 2 चौक 8, 2 तीन 6, 3 का 3, फिर जाएगा कितने बार में? 2 से ले लेते हैं, 2 दूनी 4, 3 का 3, ये भी 10 का 10। ठीक, अब इसको ले लेते हैं सीधा मल्टीप्लाई कर दे, क्या 3 एक बार में जाएगा, 3 से 2 इधर आ जाएगा, 1 और 1। ठीक, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आएगा जी? 2, 2, 3, 2। ठीक, 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 के 12, 12 दूनी 24। तो इन सभी का एलसीएम कितना आएगा आपका? 24। ठीक, 24 मिनट। अब पूछा क्या गया है, यदि वे शाम 5 बजे एक साथ शुरू करते हैं तो पुनः फिर से कितने टाइम में समय शुरू होगा? जल्दी से बताइए कमेंट करके। आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। आ गया आंसर, क्या निकालना था हमें? एलसीएम। क्या निकालता? लघुत्तम समापवर्तक। यदि वो देखिए 6 मिनट, 8 मिनट, 3 मिनट, शाम को 5 बजे एक साथ शुरू करते हैं तो फिर से पुनः फिर से ये आपके 24, यानी कि किस समय में? शाम को, ये वाला ऑप्शन आएगा डी। ठीक है, 5:24 में शुरू करते हैं। जब 5 बजे एक साथ शुरू करते थे तो कितना मिनट आएगा? 5 मिनट 24 में। ठीक, क्लियर समझ में आ गया। चलिए इसका बताइए, के का मान अधिकतम मान ज्ञात कीजिए के लिए 6 अंकी संख्या। चलिए एक मिनट ना, थोड़ा सा
के का मान अधिकतम मान ज्ञात करना है, के का मान निकालना है, 6 अंक की संख्या है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो 3 से विभाज्य होना चाहिए, 3 से क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। चलिए मान रखते हैं के का अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए 6 अंक की संख्या 450 के 3 से विभाज्य होना चाहिए, 3 से पूछा है। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं, तो 4, 5, 0, के का मान कितना है, के का अधिकतम मान 6, 6 की संख्या में 3 से विभाज्य होना चाहिए, तो 3 से विभाज्य होना चाहिए तो कितना आएगा, सात है ना, 7 आएगा वहां पर, तो 450 कैसे मान निकालेंगे, 3 से विभाज्य होना चाहिए। देखिए हम ऑप्शन इसको निकालें क्या, ऑप्शन अगर 7 रख के देखते हैं, ये मान रख के देखना है, अगर ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए ऑप्शन से बनेगा, ऑप्शन से, ठीक है, ऐसे निकालने के लिए ऑप्शन से बनेगा जी। 7 मान रखते हैं, चलिए के का मान हम यहाँ पर 7 रख देते हैं, और 1 यहाँ पर होगा, के का मान फिर 7 रख दें, 3 से विभाज्य होता है क्या, कट जाएगा, ये पूरा पूरा कट रहा है, 3 से पूरा पूरा कट रहा है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए, अब निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, अगर नहीं कटता तो फिर लेते 9, 8, 6, और पूछा गया 6 अंक की संख्या से अधिक होना चाहिए। ऑप्शन ए होगा, कट गया पूरा पूरा 3 से विभाज्य, चाहे तो आप मान रख के देख सकते हो, के जगह 9, 8, 6 रख सकते हो, ठीक। चलिए क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर की चाल से दौड़ रही है, मान लो कोई एक रेलगाड़ी है जो 72 किलोमीटर की चाल से दौड़ रही है, डायग्राम बना के समझाऊं क्या, मान लीजिएगा डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, चलिए हम डायग्राम बनाते हैं, जैसा भी बने डायग्राम बना ले रहे हैं, ठीक है, जैसा भी बने, ठीक है, मेरे को तो बनाना नहीं आ रहा है, लेकिन जैसा भी बने बनना चाहिए। चलिए मान लीजिए एक रेलगाड़ी है, ठीक है जी, रेलगाड़ी बना लेते हैं, जैसा भी बने मेरे को बनाना नहीं आता, ठीक है, मान ली एक रेलगाड़ी है जो 72 किलोमीटर चाल से क्या कर रही है, चल रही है, दौड़ रही है, यदि रेलगाड़ी की लंबाई प्लेटफार्म को 40 सेकंड में पार करती है, तब प्लेटफार्म की लंबाई कितनी होगी, अब प्लेटफार्म को 40 सेकंड में पार कर रही है तो प्लेटफार्म की लंबाई कितनी होगी, चलिए जल्दी से बनाइएगा, कितने लोगों का आंसर आ रहा है, कितने को नहीं आ रहा है, कमेंट करके बताएंगे। चलिए 72 किलोमीटर चाल से दौड़ रही, कैसे निकालेंगे जी, यहां देखिएगा 72 गुणित किलोमीटर को कैसे निकालते हैं, 5/18, 18 चौक 72, 5 चौक 20 है ना, ये कट जाएगा, तो इधर नीचे हम लिख लेते हैं इसको 20, ठीक। अब क्या पूछा गया यहाँ पर, प्लेटफार्म की लंबाई 40 सेकंड में पार कर रही है, अब चलिए दूरी, दूरी समय मतलब दूरी बटा समय, 40 सेकंड में है ना, कितने समय में, 40 + 1 से ले लेते हैं इसको, यदि देखिए क्या पूछा गया, रेलगाड़ी यदि प्लेटफार्म 40 सेकंड में पार कर, तब प्लेटफार्म की लंबाई पूछा गया है ना, तो प्लेटफार्म की लंबाई पूछा गया 40, इधर क्या आ जाएगा आपका, अच्छा 240 ना, 240 से आपका आ जाएगा 40, ठीक। अब क्या करेंगे, इधर आ गया तो इधर 20, इधर आके मल्टीप्लाई, इधर गुणा हो जाएगा, 40 × 80 है ना, तो 80 में 240 को क्या करेंगे, माइनस कर, सॉरी 4 × 8, 800, ठीक, 800 होगा, 40 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 800, अब 800 में 240 को क्या करेंगे, घटा देंगे है ना, माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा, 8 × 240 को घटा देंगे तो आपका एक्स का मान निकल के आ जाएगा, एक्स का मान आपका निकल कर आ जाएगा। चलिए अगर 200 इधर घटा देते हैं, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आपका आएगा 560, 560 मीटर, इसका ऑप्शन आंसर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन बी, कितने लोगों का ऑप्शन बी आया है, बिल्कुल सही है, ठीक, कितने लोगों का ऑप्शन बी आया है, बिल्कुल सही है, ओके फाइनल डन। चलिए
वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, है ना। डेली क्लास आएगा, ये आपका पार्ट वन वीडियो है, पार्ट वन वीडियो है। ऐसी पार्ट वन से लेकर पार्ट 50 वीडियो लेकर आएंगे, पूरा कंप्लीट जी, पूरा कंप्लीट कराएंगे आपको हॉस्टल वाले का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। जब किसी संख्या में 24 जोड़ दिया जाता है, मान ले कोई संख्या, जब किसी संख्या पूछा जाए, कोई संख्या पूछा जाए तो 24 जोड़ दिया जाता है। कोई संख्या मान लीजिए 1 से है, उसमें क्या कर रहा है, 24 जोड़ दिया है। अब एक किसी संख्या में 24 क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं, ठीक। चलिए मान लीजिए 1 में कोई 24 जोड़ दिए हैं, तो संख्या स्वयं का, स्वयं का, स्वयं मतलब खुद का, पता नहीं है, 1 से लेंगे, स्वयं का यानी कि एक्स का 4 गुना आता है, तब संख्या का 2/3 गुना क्या होगा। तो संख्या का 2/3 गुना क्या होगा, जब किसी संख्या, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब किसी संख्या में 24 जोड़ दिए, मान लो कोई संख्या है, यहाँ हम 24 जोड़ दिए, तब वो स्वयं का 4 गुना हो जाता है, स्वयं यानी कि एक्स का 4 गुना हो जाता है, तो संख्या 2/3 का कितना गुना होगा। तो क्या करेंगे जी, इधर इधर 4x हो जाएगा इक्वल टू, 4x इधर इक्वल टू 24 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, इधर पक्षांतर हो जाएगा। तो ये जब x इधर जाएगा कितना जाएगा, 3x बराबर 24, समझ में आ रहा है। जब ये 3x बराबर 24 हो गया तो इसको काट देते हैं, एक से बराबर कितना जाएगा, 8, 8 या 24, क्या पूछा है, 2/, तो संख्या का ये संख्या एक्स का ये आ गया ना मान, एक्स का मान आ गया, क्या पूछा है। जब किसी संख्या में 24 जोड़ दिया जाता है, मान लो कोई संख्या एक से उसमें 24 जोड़ दिया है, तो संख्या का स्वयं का 4 गुना हो जाता है। स्वयं का मतलब एक से मान लेते हैं, अगर मालूम है एक्स वाई जेड जो भी अचर राशि ले सकते हो, ठीक। तो संख्या का 2/3 गुना होगा, तो संख्या मिल गई आपको एक से बराबर 8, है ना। तो संख्या का, संख्या क्या है, एक्स का 2/3 गुना पूछा है, तो एक्स मान कितना है आपका, 8, 2/3 ये आ जाएगा, 8 × 16, 16/3, इसका आंसर कौन सा होगा जी, इसका आंसर आपका सी होगा। समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताएंगे। समझ में आया, एक बार फिर से देखिएगा। जब किसी संख्या में 24 जोड़ दिया जाता है, मान लो कोई संख्या हम एक्स ले लेते हैं, वाई लेते हैं, उसमें 24 जोड़ दिया जाता है, तो संख्या स्वयं का यानी खुद का 4 गुना हो जाता है, तो संख्या का 2/3 गुना क्या हो, एक्स का मान निकल आया, ये देखिए, ठीक। समझ में आया ये टॉपिक, इसका आंसर 16/3। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, ये ठीक है जी, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। कंटिन्यू क्लास इसका पार्ट टू वीडियो कल लेकर हम आएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा जी। आप सभी के लिए ये क्वेश्चन लेकर आए थे, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक। कंप्यूटर का ये पीडीएफ सब आपके लिए मिलेगा जी। थैंक यू।